वालेकुम गौसे फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे ईद वाले दिन की तीसरी रेसिपी है हरी मिर्च कीमा, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हरी मिर्च कीमा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उसको मैंने भून के बताया था आपको भून के किस तरह से हरी मिर्च कीमा बनाते हैं। आज मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ डाल के, जिसे हम सौंध के चढ़ाना भी कहते हैं, वो बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया है ये 2 किलो कीमा, ये मटन का है, बोलो दोबारा, ये बीफ का 2 किलो कीमा लिया है मैंने। अब इसके अंदर इतनी बड़ी साइज़ की मैंने प्याज लिए, उसको चॉप कर लिया रफली। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसको डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, जो बहुत ज़्यादा नहीं, बस खुशबू के लिए लिया है, और सुर्ख मिर्च लिए पिसी हुई मैंने 1 टेबल स्पून, और ये 10-12 मैंने लिए हैं साबुत मिर्चें, सुर्ख साबुत मिर्च। नमक लिए हसबे ज़ायका, आप डाल लीजिएगा, मैं आधा डाल रही हूँ, बाकी चख के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे हम। ये लौंग है, काली मिर्च और बड़ी इलायची, ये सब इसमें जाएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस समझे 1 ग्लास के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया। एक कप के करीब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बकरे ईद के गोश्त में ऑयल घी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आप कम ही रखिएगा, इतना कि कीमा नहीं जले हमारा। अब हम फ्लेम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब हमने इसको चूल्हे पर रख दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे, इसका पानी खुश्क होगा जब तक हमें इसको पकाना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, जब तक के लिए हम इसे रख देंगे। देखें जी, अब हमारे कीमे की अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ गया, अब इसकी भुनाई हमने कर लेनी है। ऑयल ऊपर आ गया तो ये दम पे अच्छी तरह ये भून गया, इसका सब पानी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, चॉप हुई भी अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे छोटी वाली, और थोड़ी ये मोटी वाली मिर्च डालेंगे। छोटी मिर्च ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए तेज़ और थोड़ी हल्की वाली डालेंगे। और ये दही, एक पाव दही लिए मैंने, ये हम डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसका पानी खुश्क होने तक इसको ज़रा भून लेंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। हरी मिर्च कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।